हेलो हाय एंड वेलकम टू माय चैनल दिशु की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं दिशु की दुनिया पर। होपफुली आप लोगों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, विदाउट एनी कॉस्ट। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वीडियो को कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको अच्छी या बुरी कैसी भी वीडियो लगी है। आगे बढ़ते हैं। ये सिम्टम जो होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। जी हाँ, 99% केसेस में ऐसा ही होता है। आप चाहे तो गूगल पर सर्च कर सकते हो, सर्च करके दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हो वीडियो को। सो 99% केसेस में ऐसा माना जाता है और मेरे साथ भी सेम इसी तरीके की कंडीशन हुई थी। सो जो भी आप अदर यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सिम्टम बिल्कुल एक्यूरेट माना जाता है। सो ये सिम्टम आपको कब से देखना होगा? एटलीस्ट आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर से। सेकेंड ट्राइमेस्टर इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर तक बेबी की मूवमेंट फील होने लग जाती है, बेबी का हैवीनेस फील होने लग जाता है आपको किसी भी साइड पर, राइट साइड और लेफ्ट साइड। टम्मी की राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड होते हैं और दोनों साइड में बेबी एक ही साइड पर ज़्यादातर रहता है, घूमता वो ऑल ओवर टमी में है बट उसको वही साइड ज़्यादा अच्छी लगती है। एग्जाम्पल के लिए हम राइट साइड ले लेते हैं। अगर राइट साइड में ज़्यादातर बेबी रहता है तो ऑल ओवर वो टमी में घूमता है बट कहीं ना कहीं उसे राइट साइड आकर ही सुकून मिलता है, चैन मिलता है या कुछ भी मिलता है, उसे राइट साइड ज़्यादातर अच्छी लगती है, उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। इसीलिए आपको ज़्यादातर राइट साइड हैवीनेस फील होती है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अगर बेबी बॉय होने वाला होता है तो ज़्यादातर आपको हैवीनेस जो होती है बेबी की वो राइट साइड में फील होती है। इसके ऑपोजिट वहीं पर अगर आपको लेफ्ट साइड में ज़्यादातर हैवीनेस फील होती है तो इट मीन्स आपके गर्भ में बेबी गर्ल पल रही है। जी हाँ, अगर लेफ्ट साइड आपको ज़्यादातर हैवीनेस फील होती है तो इट मीन्स कि बेबी गर्ल है और राइट साइड अगर ज़्यादा हैवीनेस फील होती है तो इट मीन्स बेबी बॉय है। दोनों ही सिम्टम्स एक दूसरे के अपोजिट हैं बट हाँ, कंडीशन ये है कि आपको बेबी मूवमेंट्स बहुत अच्छे से फील होनी चाहिए और आपको बेबी का वेट समझ आना चाहिए कि बेबी का वेट इस साइड पर ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये चीज़ें नोटिस करनी है तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नोटिस नहीं होंगी आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। एटलीस्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर के मिड से या लास्ट से आप ये चीजें नोटिस कर सकते हो बिकॉज आपको भी बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए बेबी का हैवीनेस या बेबी का वेट या बेबी की मूवमेंट। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू।